हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। टैली प्राइम में खास क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करना है, तो यहाँ पर ये टैली प्राइम है, डबल क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं इसको। ठीक है, आप देख सकते हैं ये टैली प्राइम ओपन हो रहा है। सबसे अच्छी बात टैली प्राइम की ये है कि आप इसे एजुकेशनल मोड में फ्री में यूज कर सकते हैं, यानी अगर आप टैली का लाइसेंस वर्जन नहीं है आपके पास और टैली सीखना चाहते हैं तो आप टैली सॉल्यूशन पर जाकर के वहां से एजुकेशनल मोड को यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यूज कर रहा हूं। आपको लाइसेंस सीखने के लिए लाइसेंस नहीं परचेज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको काम करना है तब तो लाइसेंस परचेज ही करना पड़ेगा। तो ये है एजुकेशनल मोड, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और अब हम इन हो जाएंगे एजुकेशनल मोड में। तो हमें एक कंपनी चूज करनी होगी, कोई भी एक कंपनी हम चूज करेंगे, ठीक है, या एक नई कंपनी बना भी सकते हैं। जीएसटी का खेल है, जीएसटी कई बार आप लगाते हैं तो जैसे कि क्वेश्चन मेरे पास आया है कि सर मेरे में सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रहा है। तो क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा है, आखिरकार कारण क्या है नहीं कैलकुलेट होने के पीछे, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा है? तो यहां पर मैं जीएसटी एंड कंपनी के नाम से एक कंपनी ही बना लेता हूं। तो ये हो गया जीएसटी एंड कंपनी, ठीक है, एंटर किया, एंटर किया और यहां पर दे देंगे क्या, न्यू कॉलोनी देवरिया, DEORIA। तो ये हो गया न्यू कॉलोनी देवरिया। यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ पर स्टेट आपका आएगा, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे कर देते हैं। आपका जो भी स्टेट होता है वो चूज करके आगे बढ़िएगा और यहाँ पे लोकल एरिया का पिन कोड आप डाल दीजिएगा आपने और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराइएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने की डेट है और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की डेट नहीं है, ये काम शुरू होने की डेट है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। यहाँ पर जीएसटी को इनेबल करने में अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे और डायरेक्टली यहाँ कंट्रोल ए कर देंगे तो आपका जीएसटी कैलकुलेट ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कई बार क्या करते हैं लोग, यहाँ पे यस देखते हैं तो ये सोचते हैं बिगिनर्स कि यहाँ पर कंट्रोल ए कर देंगे तो अब जीएसटी कैलकुलेट होगा, तो नहीं, जीएसटी नहीं कैलकुलेट होगा। जब आप एंट्री करने जाएंगे परचेज या सेल्स की किसी में भी, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम परचेज की ही एंट्री करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डाला, एंटर किया और यहाँ पर ये आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम दुर्गेश, सी कर देता हूं, सी से पता चलेगा कि ये क्रेडिटर पार्टी है और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप जो है लगा देते हैं, एंटर करेंगे और इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये तो एक्सेप्ट करा लिया और फिर एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट कराएंगे और एक्सेप्ट करा के नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ परचेज का लेजर आता है, तो यहाँ परचेज का लेजर बना देंगे, तो ये हो गया परचेज A/C अकाउंट, एंटर करेंगे और इसका ग्रुप होगा परचेज अकाउंट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या होगा ग्रुप, परचेज अकाउंट का ग्रुप होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ परचेज अकाउंट लिखना होगा, यानी सेलेक्ट करना होगा यहाँ से, तो ये परचेज अकाउंट सेलेक्ट करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा और एक्सेप्ट करा लेंगे तो अब यहाँ प्रोडक्ट का डिटेल आएगा, तो अल्ट सी करके जो भी स्टॉक आइटम है वो बना लीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए इस बार हम स्टॉक आइटम में कैमरा लिखते हैं, कैमरा, ठीक है, अब ये कैमरा लिख दिया। अब कैमरा बिकेगा या खरीदा जाएगा तो ये किलो के भाव से नहीं खरीदा जाएगा, ना ही टन के भाव से खरीदा जाएगा, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूनिट बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट पे जाके यूनिट बना लेते हैं, तो हम नंबर्स कर देते हैं, नंबर्स का सिंबल होता है NOS और NOS हमने कर दिया है और इसका पूरा नाम लिख देते हैं नंबर्स, इस तरीके से ये लिख दिया है और N प्रेस करते हैं, ये नंबर्स आ जाएगा और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहाँ पर 5 कैमरा परचेज किए जा रहे हैं और एक कैमरा की खरीद रेट क्या है, 23,000 रुपए, तो यहाँ पे 23,000 दे दिया। अब यहाँ पर आप जीएसटी लगा देते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे गलती होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सीजीएसटी किया, एंटर किया और यहाँ पे ग्रुप आपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही डाला है, बिल्कुल सही है, ग्रुप तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, यहाँ जीएसटी ही रहेगा और ये होगा सीजीएसटी, तो सब कुछ आप सही करते हैं लेकिन आपने वहां एक्टिवेशन ठीक से नहीं किया तो यहाँ जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक्टिवेशन पहले ठीक से कर लीजिए, F11 प्रेस कर लेते हैं और वापिस आ जाते हैं। यहाँ पर यस लिखा हो ना लिखा हो इससे कोई मतलब ही नहीं है, आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है, और यस करके यहाँ पे आप जिस तरह के डीलर, आप जैसे मान लीजिए आप रेगुलर डीलर हैं, कंपोजिशन डीलर हैं, तो जो आपका नेचर बनता है वो यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पर आपका आता है GSTIN नंबर, तो जो भी आपका GSTIN आता है वो यहाँ पे डाल दीजिए और ये मंथली GST फाइल करेंगे या क्वार्टरली वो यहाँ पे डाल दीजिए और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर यस करिएगा और एंटर करिएगा और यहाँ पर क्या करना है आपको, स्पेसिफाई करना है सैलरी की डिटेल को, ठीक है, एंटर करिएगा और यहाँ पर करंट डेट से इसको हम लगा रहे हैं तो करंट डेट कर दीजिएगा और यहाँ पे डिटेल को स्पेसिफाई कर लेते हैं और टैक्सेबल रहेगा यहाँ पर कितने परसेंट टैक्स, 5% मान लीजिए लगा रहे हैं, 1 अप्रैल से ही अप्लाई होगा और यहाँ पर आकर के और यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू ऑफ इनवॉइस, तो हम वैल्यू ऑफ इनवॉइस कर देते हैं यहाँ पे और सो जीएसटी एडवांस फॉर एडजस्टमेंट इन ट्रांजेक्शन, इसको भी चाहे तो यस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम रहने देते हैं अभी, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे और यहाँ से एंटर करके लास्ट तक आपको एंटर करते आना है।
तो ये हो जाएगा, अब ये एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर हम करके देखते हैं जो हमने काम किया था, यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी का लेजर आ गया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है, और यहाँ परचेज अकाउंट आ जाएगा। अब वही चीज की जो हमने प्रोडक्ट बनाया था उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे, यानी कैमरा ले लिया हमने, इस बार 10 कैमरा लेते हैं और एक कैमरे की खरीद रेट 22,000 रुपए है मान लीजिए, ठीक है, तो ये 22,000 रुपए डाल दिया। और यहाँ पे अब आएगा सीजीएसटी, तो क्या सीजीएसटी कैलकुलेट हो रहा है, तो देखिए बिल्कुल कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ अल्ट सी करके एसजीएसटी भी बना लेंगे, तो जब सेम स्टेट का मामला होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, ठीक है, और अदर स्टेट का मामला होगा तो आईजीएसटी लगेगा, तो इसमें तो फिलहाल हमें एसजीएसटी करना है, तो यहाँ पे एसजीएसटी कर दिया और एंटर करके नॉर्मल राउंडिंग एंटर करके एक्सेप्ट कराइए, तो ये दोनों ही आ गया, देख सकते हैं ना, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये तो एक हो गया। अब यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 1/5/2024, यानी 1 मई की डेट कर देते हैं, तो यहाँ डेट भी चेंज कर दिया है। इस बार सप्लायर के इनवॉइस नंबर में ये हमने दे दिया, यहाँ पे आए, इस बार सप्लायर हमारा आउट ऑफ स्टेट है, यानी उत्तर प्रदेश से बाहर का सप्लायर है, तो यहाँ युवराज ग्रुप GROUPS ग्रुप्स कर देते हैं, एंटर किया, और यहाँ पे इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर, तो यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर कर दीजिएगा, ये सप्लायर पार्टी है और ये उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये कहीं की भी है लेकिन उत्तर प्रदेश की नहीं है, जैसे मान लीजिए पंजाब की है, एंटर किया इसको एक्सेप्ट कराएंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर एंटर 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 करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा, फिर एंटर एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कराइएगा, फिर एंटर करिएगा, परचेज का लेजर यहाँ आ जाएगा, बनाया तो पहले से ही है हमने, अगर आपने नहीं बनाया तो ऑल्ट सी करके बना सकते हैं, ठीक है। और अब हम कैमरा की बात फिर वापस करते हैं, कोई और स्टॉक आइटम हो तो आप बना सकते हैं, उसके लिए ऑल्ट सी करेंगे, सॉरी यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे, कितने कैमरास परचेज किए जा रहे हैं, तो 6, ठीक है, तो 6 22,000 के हिसाब से यहाँ रेट आ गया। और अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ सीजीएसटी लगाएंगे, तो ये तो डिफरेंट स्टेट हो गया ना, तो यहाँ तो सीजीएसटी काम ही नहीं करेगा, तो फिर क्या काम करेगा, एसजीएसटी काम करेगा, तो यहाँ अल्ट सी करके आईजीएसटी काम करेगा, तो आईजीएसटी बना लीजिएगा, तो ये आईजीएसटी हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप, हमेशा टैक्सेस से संबंधित कोई भी लेजर्स आएंगे उसमें ग्रुप हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा, यहाँ जीएसटी ही रहेगा, आईजीएसटी कर ही दिया है हमने, नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे आपको करना है, ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, अगर फिर भी कंफ्यूजन बनी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो ये बात याद रखिएगा कि क्रेडिटर और डेटर पार्टी दोनों ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब भी आप टैली के अंदर एंट्री पास करते हैं, ठीक है, तो क्रेडिटर और डेटर पार्टीज का ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए यहीं पर है, तो अगर अल्ट सी करके एक हम पार्टी बनाते हैं रितेश नाम से, और ये क्रेडिटर पार्टी ही है हमारी, एंटर किया जैसे ही आते हैं तो इसका ग्रुप क्या होगा, कई बार ग्रुप भी गलत डाल देंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर होगा, परचेज में हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर आता है, और जब भी क्रेडिटर आ जाएगा और नाम आ जाएगा, जैसे रितेश नाम आया है, तो ये जान लीजिएगा कि वो परचेजिंग हो रही है उधार की, अगर सेल्स भी होगा और नाम आ जाएगा तो वो उधार का सेल हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एंटर कीजिए और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइए, तो यहाँ पर देखिए ये उत्तर प्रदेश है, अगर यही चीज हट करके महाराष्ट्र हो जाए, तेलंगाना हो जाए, पंजाब हो जाए, उड़ीसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस पर भी क्या लगेगा, आईजीएसटी ही लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप सीजीएसटी एसजीएसटी लगाने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा ही नहीं, ये चीज क्लियर रहे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर वापिस एक नया स्टॉक आइटम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम इस बार कर देते हैं यहाँ पर एसएसडी, तो एसएसडी लिखा हमने, एंटर किया, एसएसडी भी बिकेगा या खरीदा जाएगा तो नंबर्स में ही, तो ये नंबर्स कर दिया, और यहाँ पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर कितनी क्वांटिटी, तो 6 क्वांटिटी, और एक एसएसडी कितने की, खरीद रेट 2,000, तो ये हो गया। और यहाँ पर आएंगे और अब सीजीएसटी लगाना चाहेंगे तो ये नहीं आएगा, लेकिन यही चीज आईजीएसटी लगा देंगे तो सीधे तौर पर ये कैलकुलेट होता हुआ नजर आएगा, और जब आईजीएसटी लगेगा तो इसके साथ दूसरा कोई लेजर नहीं आता है, जैसे सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी आता है, उसी तरीके से आईजीएसटी के साथ कुछ नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी।